नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 3-0 से जीतकर विदेशी जमीन पर इतिहास रचा। एक दिन पहले ही मनाया स्वतंत्रता दिवस का जश्न। कांग्रेस का नरेंद्र मोदी से अनुरोध, लाल किले से अपने वादों का हिसाब दें प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 35A पर उमर अब्दुल्ला ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा अनुच्छेद को खत्म किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। भारत की हजारों किलोमीटर जमीन दबाए बैठे चीन का दुष्प्रचार, बोला भारतीय सेना हमारी सीमा में घुसी। राम और अर्जुन राय समेत 21 जदयू नेता पार्टी से निलंबित। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, सेना के 8 जवान लापता। उच्चतम न्यायालय का पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति को झटका, लुकआउट नोटिस के स्थगन आदेश पर रोक। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा 70 बच्चों की मौत बाल हत्याकांड है, क्या ये है अच्छे दिन। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। सहारा की एमबी वैली हो गई नीलाम, बम्बई हाईकोर्ट ने जारी किया नीलामी का नोटिस। मध्य प्रदेश में बड़वानी के एसपी ने दिए थानों से चीन के उत्पादों के विज्ञापन हटाने के निर्देश। बुर्किना फासो में होटल रेस्तरां पर हमला, 70 लोगों की मौत, 8 अन्य घायल, सभी हमलावर मारे गए। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।